जय श्री राम। भगवान राम हम सबके लिए एक आदर्श हैं। हम सब ने ये वाक्य बहुत बार सुना है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान श्री राम का चरित्र आनंद सुधा सिंधु है। इसमें जो एक बार अवगाहन करता है वो अमृत प्राप्त करके ही रहता है। हमारे पुराणों ने ईश्वर के चरित्र को नित्य बताया है। नित्य यानी जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। भगवान का नाम नित्य है, भगवान का रूप नित्य है, भगवान की लीलाएं नित्य हैं और उनका धाम नित्य है। भगवान की लीला भी भगवत प्राप्ति का एक सहज सरल उपाय है। जब मानव इस धरती पर आता है तो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है कि वो आनंद प्राप्त करे, मोह का क्षय हो जाए, उसे मोक्ष मिल जाए, वो माया के जंजाल से मुक्त हो जाए। इसी के लिए वो धर्म का संचय करता है, अपना निर्दिष्ट कर्म करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है और फिर मोक्ष के साधनों के प्रति आकर्षित होता है। उसके लिए वो भगवान का नाम लेता है, विविध तीर्थों पर जाकर उनका दर्शन करता है, उनके धाम में रहकर तपस्या करता है और इसके साथ साथ उनकी लीलाओं का दर्शन करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की लीला को सुगम साधन माना है। लीला शब्द का अर्थ है लीयते लाल्यते यास लीला, व्यक्ति जिसमें लीन हो जाए। क्योंकि लीला में व्यक्ति आंखों के माध्यम से भगवान के स्वरूप से जुड़ता है। हमारे सामने स्वरूप सरकार विराजमान होते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं और वो लीलाएं हमारे नेत्रों के माध्यम से हमारे भीतर जाकर हमारे हृदय में जो भी इस काल का कलमश है, पाप है, उसका विनाश करती हैं। माया का पर्दा हटता है और हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो लीयते जिसमें व्यक्ति लीन हो जाता है और लाल्यते जिससे उसका पोषण होता है। देखने को तो हम दृश्य जगत में कई नाटक, नौटंकी, फिल्म इत्यादि देखते हैं, लीन व्यक्ति उसमें भी होता है लेकिन उस लीला में पोषण का गुण नहीं है। इस सिद्धांत को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने अणुभाष्य में स्पष्ट किया है। जब हम भगवान की प्रपत्ति में आते हैं, भगवान की शरणागति में आते हैं तो लीला ही हमें भगवान से जोड़ती है। जब हम ये कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, हम आपकी शरण में हैं, शरण ग्रहण, शरण शब्द का सही अर्थ है गृह रक्षित्वात्, जिसके द्वारा हमारी रक्षा होती है। जब हम भगवान की लीला का दर्शन करते हैं तो उसके माध्यम से उनके गुण, उनके स्वभाव, उनकी उदारता, उनका भक्तों के प्रति प्रेम, ये हमारे मन में बसता है। जब हम राम जी का चरित्र देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि राम केवल नरावतारी ही नहीं है, वो तो सनातन पुरुष हैं। वो राम स्वयंभू मनु और शत्रुपा को दर्शन देते हैं नैमिषारण्य में, वो राम शंकर जी को विवाह के लिए प्रेरित करते हैं, वो नारद जी के प्रबोध का कारण बनते हैं और वही राम देवताओं के आग्रह पर नरावतार ग्रहण करते हैं, वही राम केवट के रूप में एक नाविक का मन रखते हैं, तो वही राम गिद्ध जटायु का उद्धार करते हैं, वही शबरी को गले लगाते हैं, तो वही सुग्रीवादी वानरों से मित्रता करते हैं, वही लंका का राज्य विभीषण को देते हैं।
सुखदेव जी ने भागवत में रामचरित्र का वर्णन करते हुए एक बहुत सुंदर बात कही है कि जो राम जी का चरित्र देखता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उनकी लीलाओं का दर्शन करता है, उसके मन से कठोरता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। क्योंकि राम जी अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत उदार हैं, शील युक्त हैं। उनकी लीलाओं का मर्म जानने के लिए तो वेद भी आकुल व्याकुल रहते हैं। ये कालखंड ऐसा है जिसमें हम प्रत्यक्ष दर्शन स्वरूप सरकार का नहीं कर सकते। ऐसे समय में आज की आधुनिक तकनीक का हमको धन्यवाद देना चाहिए, खास करके एवन टीवी का, जिसके माध्यम से आप रामलीला का घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। जो एक तो कलाकारों को हम देखते हैं अभिनय करते हुए, उसकी बजाय जो मंचीय रामलीला का स्वरूप होता है उसमें भक्ति की प्रधानता रहती है। एक लंबे समय के भजन के बाद, नाम जप के बाद ये स्वरूप सरकार राम जी के रूप में आते हैं, संवाद याद करते हैं, उस रूप में स्वयं भी डूबते हैं और हमको भी उनसे जोड़ते हैं। उस समय हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने घर में बैठे हैं या किसी पांडाल में बैठे हैं, हमें लगता है कि हम नित्य साकेत में बैठे हैं। इस अविनाशी स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, राम जी के विविध प्रसंगों को आप देखेंगे। देखना ही नहीं है, इनका मनन भी करना है। मनन करने के साथ साथ ये निश्चय भी करना है कि हमें अपने भीतर के राम को पहचानना है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सभी लोगों के हृदय में राम जी का निवास है। वो जैसा स्वयं आचरण करते हैं वैसी ही अपेक्षा अन्य लोगों से भी करते हैं। हमें उनके जैसा बनना है, अपने भीतर के रावण का अंत करना है, राम को जागृत करना है। और योगियों के लिए तो राम रमण स्थली है, रमन्ते योगिनम यस्मिन स राम। तो ऐसे राम के साथ हम रमण करें, सदैव आनंदित रहें, निरामय जीवन जिएं और सभी लोग मन से, तन से, धन से प्रसन्न और समृद्ध रहें, ऐसी ही हम कामना करते हैं। जय श्री राम। हे भाई सुग्रीव, हम जब से ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, जब से तुम्हें दुखी ही देखते हैं, कहो क्या कारण है? हे प्रभु, मैं क्या बतलाऊं, मेरा भाई बाली जो कि इस पर्वत पर श्राप के कारण आ नहीं सकता, इसलिए मैं मेरी जान बचाने के लिए यहाँ रहता हूँ। प्रभु प्रभु, उस बाली ने मेरी पत्नी और मेरा राज सब छीन लिया है। प्रभु, जो ये ताड़ के वृक्ष देख रहे हैं, जो भी इनको एक वाण से गिराएगा तक्षक के श्राप से बाली मारा जाएगा। प्रभु, उन्हीं के हाथों से बाली मारा जाएगा। प्रभु, मेरी रक्षा करो। प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे भाई सुग्रीव, अगर ब्रह्मा और शंकर भी उसकी रक्षा करेंगे तो उसे नहीं बचा सकेंगे, मैं उसे एक ही बाण से मार दूंगा। जाओ, अब तुम बाली से युद्ध करने जाओ। ठीक है प्रभु। बाली, बाहर निकल, बाली बाहर निकल। कहाँ छुपा हुआ बैठा है? कौन? बाली। सुग्रीव, कायर, तेरा इतना साहस? खैर, रे आ। Thank you.
तुम्हारे कहने से। झगड़ा मैंने मोल लिया, वो भाई नहीं कसाई है, उसका बल मैंने तोल लिया। हे प्रभु, आप खड़े खड़े देखते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे, प्रभु मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। हे भाई सुग्रीव, धीरज धरो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी जब मैं बाण चढ़ाता था तो दोनों का एक रूप देखकर मैं धोखा खा जाता था, इसलिए ये हार पहन जाओ जिससे मुझे तुम्हारी पहचान रहे। जी प्रभु। अरे बाली, बाहर निकल बाली, बाहर निकल। अरे बाली, बाहर निकल। सुग्रीव, कल तू मेरे हाथों से बच निकला, आज फिर आ गया मरने के लिए, ठहर। हे प्रांडार, आज आप युद्ध करने मत जाइए। मैंने सुना है श्री राम सुग्रीव का साथ दे रहे हैं। धीर धरो हे प्रियतम, ना हो दुख को प्राप्त, रण में सो सुग्रीव हो तो भी करो समाप्त। हे प्रिय, तुम धीरज धरो, रघुनाथ समदर्शी हैं, यदि वो मुझे रण में मारेंगे तो मैं परम पद को प्राप्त होऊंगा। अरे बाली, बाहर निकल, क्या सोच रहा है? अरे बाहर निकल, बाहर बाली। सुग्रीव, तू फिर आ गया पिटने के लिए। अरे अभी बताता हूं बाली। ये किसने मुझको मारा है? ये किसका तीर करारा है? दगा दगा, धोखा धोखा, किसने मुझको संहारा है? मैं राम हूं, और जब तक सभी पापियों का संहार नहीं कर दूंगा मुझे विश्राम नहीं आएगा। अच्छा, तो तुम ही राम हो? मैंने वर्षों से ये नाम सुना है। हे राम, क्या तुम ही ने मुझे इन वृक्षों के पीछे छुपकर मारा है? हाँ। हे राम, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आपने मुझे इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्यों मारा है? हे बाली, जो भाई की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वह वध करने योग्य होता है। हे प्रभु, मैं और सुग्रीव दोनों भाई भाई हैं। आपने सुग्रीव से मिलते ही तो उसका कष्ट मिटा दिया। हम भी देखते हैं वह सुग्रीव कब आपको सीता से मिलाता है। हे प्रभु, यदि आप पहले मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसे खूब जानता हूं जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काठ में दाबा है। हे बाली, हम नहीं जानते थे कि तुम इतने वीर हो। अब बताओ, हम तुम्हें क्या वर दें? यदि मरना नहीं चाहते तो हम तुम्हें फिर से जीवित कर दें। हे प्रभु,
क्या इसीलिए जिंदा करते हैं आप कि मेरे द्वारा हो सीता से शीघ्र मिलाप? नहीं भाई, हम तो सरल भाव से यह बात कह रहे हैं। हे प्रभु, हर समझदार इस दुनिया में हर समय यह ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से पहले मुख से न राम कह पाता है। राम, हे प्रभु, यदि आप वर देने की कहते हैं तो अच्छा है, कुछ ले लूं मैं। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म हो तो मेरा आपके चरणों में ही अनुराग रहे। आओ बेटा। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, ये अब आपकी शरण में है प्रभु। और अब बाली को आज्ञा दीजिए भगवान, अब और नहीं बोला जाता। राम राम श्री राम। भैया भैया, भैया भाभी, भाभी, भैया को क्या हो गया? हे महारानी तारा, इस शोक को त्यागो। हे भाई सुग्रीव, बाली का विधि विधान से अंतिम संस्कार करो, जाओ। उठो भाभी, हे भाई लक्ष्मण, अब वर्षा ऋतु बीत गई है और जब से हमारे मित्र सुग्रीव को राज मिला है, वह तो हमें भूल ही गया है। हे प्रभु, मैं अभी पंपापुर को जाता हूँ और उस सुग्रीव को सबक सिखाता हूँ। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के चार अंग, ये आप मानते हैं स्वामी? साम दाम और दंड भेद, ये आप जानते हैं स्वामी? है साम मैत्री दाम दान, तो दंड बड़ा दौर है। सारांश कार्य हेतु और हमें फुट कराना है। रघुराय ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष कर दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज दिलाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं? है बार दंड देने को लिए तो भेद है तू अंगद जी हैं, इसलिए मुनासिब तो ये है अपना भी फर्ज निभा दे हम। वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। हे हनुमान, आज हम आपके ऋणी हैं, आपने हमारा कर्तव्य याद दिला दिया है। चलो हनुमान, अपने वानर भालुओं की सेना सहित भगवान श्री राम के पास चलो। चलो हनुमान। अंगद, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, राज काज में व्यस्तता के कारण मैं सब कुछ भूल गया प्रभु।
हे भाई सुग्रीव, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो अब हमको सीता से मिला सके उसका उपाय करो। हे अंगद, हनुमान, जाम्बद जी, बानर भालुओं की सेना के साथ आप शीघ्र अतिशीघ्र सीता की सुधि लेकर आइए, अलग अलग दिशा में जाकर के और उनकी खोज कीजिए। हे भाई हनुमान, आप पहचान के लिए यह अंगूठी ले जाओ और सीता से जाकर कहना कि मुझे करुणा निधान ने भेजा है। सियापति रामचंद्र की जय। भाइयों, ये संयोजन का समुद्र है, अब आगे आओ, अपने अपने हौसले, अपने अपने बल को दिखलाओ और अब मुझे ये बतलाओ कि कौन कितने योजन तक जा सकता है। मैं 10 योजन जा सकता हूँ, मैं 20 योजन जा सकता हूँ, मैं 50 योजन जा सकता हूँ। अंगद कहे जाओ मैं भाइयों, मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में संशय है। हे भाइयों, सब समय समय की बात है, अब मैं वृद्ध हो गया। जब मैं युवा अवस्था में था तब एक ही घड़ी में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दिया करता था, लेकिन अब नव युवकों की बारी है। हे हनुमान, इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पर नहीं हो सकता। हे हनुमान, अपने बल को, अपने विक्रम को याद करो, जागो 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 जागो, जागो। निरावरण समुद्र सुखा बुद्ध दंडन सेवन बाग बखेरू, एक ही नाथ दलो दलदारो लंक उठाए समुद्र में फेंकू, असुरन मार त्रिकोट उखार अश्वाक उजार अच्छा से फोड़ू, ज्योतिष वीर विहीन पूरी कर रावण के दास मस्तक तोड़ू। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा है वो कर दिखलाऊंगा। माता जगदम्बे सीता को रघुवर से आज दिलाऊंगा। हे जामुन जी, आप मुझे ये बताइए कि मुझे वहां जाकर क्या करना है। हे हनुमान, हे पवन पुत्र, आप लंका जाइए और वहां माता का पता लगाइए और हाँ, अगर आवश्यकता पड़े तो दुष्ट रावण को अपनी शक्ति भी दिखलाना। तब तक हम सभी वानर रीच यहाँ पर आपके लौटने का इंतजार करेंगे। बहुत
सियापति रामचंद्र की जय। हे माता सुरसा, पवन पुत्र हनुमान, माता जानकी की सुधी लेने जा रहा है। आप उसके बल बुद्धि की परीक्षा लीजिए। हे देवताओं, तुम चिंता मत कीजिए, मैं हनुमान जी के बल की अभी परीक्षा लेती हूँ। आज मुझे विधाता ने भरपेट भोजन भेजा है, मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। हे माता, इस समय मुझे क्षमा कर दें, मैं श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करके और उनको सीता की सुधि देकर फिर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लेना, इस बार मुझे देर हो रही है, मुझे क्षमा कर दें। ये चाला थी किसी और को बताना, मैं तेरी चाल में नहीं आने वाली, मैं तुझे अभी खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। अच्छा, नहीं मानती है तो ले, मुझे खा ले और अपनी भूख मिटा ले। भगवान की कृपा से मैंने अब समुद्र पार कर लिया है और लंका का दृश्य भी देख लिया है। योद्धा अपने अपने सेना के साथ लंका की रक्षा कर रहे हैं। यदि मैं इसी रूप में लंका में प्रवेश करता हूं तो हो सकता है पकड़ा जाऊं, इसलिए मुझे छोटा रूप धरकर लंका में प्रवेश करना चाहिए। तू कौन है, चोरी से लंका में प्रवेश कर रहा है? मैं लंका की लंकनी हूं, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। अच्छा, तो ले सामान। सियापति रामचंद्र की जय। प्रदर्शी नगर की जय, सबका हृदय राख कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी समय मुझको भी एक वरदान दिया था। लंकनी, जिस समय तू हनुमान जी के मुख से व्याकुल हो जाएगी, उस समय सोच लेना लंका का सर्वनाश होने वाला है। हे हनुमान जी, मेरे सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। हे हनुमान जी, राम जी को याद करके लंका में प्रवेश करो। बहुत अच्छा, सियापति रामचंद्र की जय। रामायुध अंकित ग्रह शोभा नव तू
लंका तो स्वयं राक्षसों के रहने का मूल निवास है, यहां भक्तों का निवास कैसे हो सकता है? मुझे वेश बदलकर यहां प्रवेश करना चाहिए। श्री राम, रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम रामे, श्री राम राम भरताग्रज राम रामे, श्री राम राम रण कर कस राम रामे, श्री राम राम भव शरणम श्री राम राम। जय राम श्री राम, जय जय राम राम श्री राम, जय जय राम है राम श्री राम। यह राम नाम का उच्चारण किसने किया? राम श्री राम, जय जय राम। विप्रदेव प्रणाम। जय श्री राम। हे विप्रदेव, आप कोई राम भक्त हैं अथवा स्वयं भगवान श्री राम आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रीति उत्पन्न हो रही है, कृपया आप अपनी कथा समझा कर कहिए। बड़भागी करने आए हो क्या मुझसे मूड निशाचर को? हे महाराज, इन चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करो। अपने इस दास विभीषण पर इतना तो उपकार करो। अचरज है कागों के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा? कांटों से भरे कटीले में मलयागिरी का चंदन कैसा? असुरों में कैसे भक्त रास? तुम जीवन यापन करते हो रावण की सेना में रहकर भी श्री राम उपासना करते हो। हे विप्रदेव, आपकी शंका निर्मूल नहीं है। मैं यहां लंका में इस प्रकार निवास करता हूं जैसे दांतों के बीच में जिब्या रहती है। ये तामस देही होने के कारण मुझसे कुछ बनता नहीं, सिर्फ एक राम नाम का ही सहारा है। बत्ती सी तो सब टूट टूट गिर जाएगी, लेकिन जिव्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुनगाएगी। हे विप्रदेव, आप का ये भक्त सरल हृदय देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब मुझे भगवान के शरण में पहुंचने का शीघ्र ही मन बनता है। हे तात, हे विप्रदेव, मुझ पर कृपा कीजिए और अपना परिचय बताइए। हे विभीषण जी, ब्राह्मण शरीर एक धोखा है,
मैं हनुमान हूँ, वानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। हे तात हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आहा, आज मेरे बड़े भाग्य है, आज मैंने ऐसे सत्पुरुष के दर्शन किए हैं जिन्होंने अपनी आंखों से स्वयं भगवान श्री राम को देखा है। हे हनुमान जी, क्या मुझ पर भी रघुकुल भूषण कभी कृपा करेंगे? मैं अब शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचना चाहता हूं। हे हनुमान जी, आप तो बड़े धन्य हैं जो हर पल हर क्षण भगवान के पास रहते हैं। अब मैं भी शीघ्र उनके चरणों में पहुंचना चाहता हूं। हे विभीषण जी, भगवान दया निधि हैं, अपनों को नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागति होता छाती से उसे लगाते हैं। हे भाई, उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब कुछ अर्पण कर दो, उनके ही हो जाओ भैया, भक्ति से जैसे सप्त सिंधु आज जाते एक कलश में है, क्यों ही यदि भावना विमल हो तो भगवान भक्त के बस में है। हे भाई, तुम तो धन्य हुए, श्री रामचंद्र के दास तो हो, हर वक्त हर घड़ी हर एक पल सच्चिदानंद के पास तो हो। अब मैं भी भगवान के चरणों में शीघ्र ही पहुंचना चाहता हूं, मुझ पर आप कृपा करिए। हे विभीषण जी, है सत्य जहां भगवान वही, है प्रेम जहां भगवान वही, हो जाता है दया का पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वही। मुझको ही देखो, मैं बानर हूं, उपचार ध्यान जानता ही नहीं, भगवान की सेवा के सिवा दूसरा कार्य जानता ही नहीं, फिर भी जब वो मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है, संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। हे तात हनुमान जी, मेरा बड़ा सौभाग्य बना है, तुम नहीं मिले हो रामदास, खुल गए भाग्य मेरे सोते, इस जन्म और जन्मांतर के सब पुण्य उदय होते मेरे। हे हनुमान जी, मेरे बड़े सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए, धन है। हे विभीषण जी, अब मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूं। हे तात हनुमान जी, जिस कारण में तुम आए हो उस सेवा में जाओ भैया, माता अशोक वाटिका में उनकी सुध ले जाओ भैया। वैसे तो तुच्छ दास ने भी कुछ सेविकाएं वहां रखी है, माता सब तरह सुरक्षित है, मेरी नजरों में रहती है। लंकापुर में भी माता सीता, उस मिथिलापुर की सीता है, श्री रामचंद्र की चंद्रानन ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्र का है, वो माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास में हूं, लंका में निर्भय से गुजरो, छाया की तरह पास में हो। तात हनुमान जी, आप देर न कीजिए और
माता तक पहुंचने की मैं तुम्हें युक्ति और मार्ग बतलाता हूं। आप यहां से सीधे जाएंगे, आपको त्रिकूट पर्वत मिलेगा। स्वर्णमयी लंका बनी है, थोड़ा उसे आगे चलेंगे, सुंदर वन में अशोक वाटिका है। माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। अब आप शीघ्र से माता की सुध लेकर जाओ, फिर बड़े सौभाग्य आपके दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शंकर जी, किसे याद कर रही हो सीते? राम को वो नहीं आ सकता, तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हें लंका की पटरानी में लेकर रखूंगा। एक बार मेरी ओर कृपा दृष्टि से तो देख सीते। अगर कृपा दृष्टि चाहता तो शिव धनुष तोड़ा होता। तू चोर है, मैं तेरी सोने की लंका को ठोकर मारती हूँ। सीते, अभी तक मैंने तुझे नम्रता से समझाया है, और यदि अब भी तू न मानी तो मैं तेरा अभी वध कर दूंगा। नहीं प्राणनाथ, किसी पराई स्त्री पर हाथ उठाना अनुचित है। आपने तो समस्त लोगों को जीता है। आपके भय से बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आप ही के तो भय से सूर्य देव पूरब से पश्चिम को जाता है, और तो और सूर्य देव ठंडाता और गर्माता है। कितनी ही बार आपने अपने शीश को काट कर शंकर की भेंट चढ़ाया है। आप बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानी और पंडित हैं, इसीलिए प्राणनाथ आपको किसी भी अबला स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। आप इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है मंगोदरी, हे त्रिजगा, तू इसे एक बात में समझा ले, नहीं तो मैं इसका बात कर दूंगा। जो आप कह सकता। जय शंकर की। सरकार जय शंकर की। राक्षसियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है मेरा सपना मानना पड़ेगा अब तुमको, आदेश और मेरा कहना। मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। जो बंदनी है आज राम प्रिय, ये कल साम्राज्य कहलाएगी। अगर हम इन्हें अधिक सताएंगे तो ये बदले गंभीर चुकाएंगी। मैं इसीलिए तो कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में, सज्जनता सदा साथ देती, होती है हार दुष्टता में। हे माता त्रिजटा, मैं अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ, आप कृपा कर कहीं से मुझे अग्नि ला दीजिए। हे पुत्री सीता, इस समय काफी रात हो चुकी है, अतः मैं अग्नि कहाँ से लाऊं?
हे पुत्री आप धैर्य धारण करो, श्री राम प्रभु आपके कष्टों का अवश्य नाश करेंगे। पुत्री आप धैर्य धारण करो। कभी कभी विचार दीन मुख काटे कभी जन अशोक तंगा। ये अंगूठी तो मेरे रघुवर की है जो मैंने उन्हें नाविक को देने के लिए दी थी। कहीं कहीं ये कोई माया तो नहीं? राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम प्रणाम माते। हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं करुणानिधि ने भेजा है, सेवा में उनके रहता हूं। कहते हैं हनुमान मुझे सुध लेने ही मैं आया हूं, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया। हे हनुमान, ये बताओ मेरे प्रभु अच्छे तो हैं? वे मेरी चर्चा करते तो हैं? हे माता, यदि सुध नहीं रखते तो सुध लेने ही क्यों भेजा है? है वहां और कोई बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सहती हैं उससे दूने वो सहते हैं, जो धान रहे बिन पानी के इस भांति दयानिधि रहते हैं। लंका पर अभ्रकुल का डंका माता बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। माता आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता, लंका को क्षण में चौपट कर तुमको अभी लिए जाता। हे पुत्र, राक्षस तो बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, किंतु तुम तो बहुत भोले और छोटे मालूम पड़ते हो। जय श्री राम। हे पुत्र, मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान देती हूँ। जय माता। हे माता, अब विनय एक, यद्यपि दिल कुछ हिचकता है फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित मचलता है। आया हूँ सिंधु लानकर में, इस कारण भूख सताती है, फिर ये पेट फलों से लदे हुए इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो ये माली है इनका किंचित भय नहीं मुझे, जब कृपा दृष्टि माता की हो तो संचय संकुहाट नहीं मुझे। हे पुत्र, श्री राम को हृदय में स्मरण करके तुम फल खाओ। पड़ोसी आपति रामचंद्र की जय।